हेलो गाइस दिस इज माइ अकेडमी इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन वर्टिकली इमर्ज सरफेस के बारे में जानेंगे तो कॉन्सिडर ए वर्टिकल सरफेस ऑफ आर्बिटेरी से इमर्ज इन ए लिक्विड एस सोन इन द फिगर तो लेट ए डिनोट्स द टोटल एरिया ऑफ सरफेस जी डिनोट्स द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ द सर्फेस एक्सबर्ट डिनोट्स द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ एरिया एंड ओ ओ विच डिनोट्स द फ्री सर्विस ऑफ लिक्विड एंड लास्टली द h bar इज द डेप्थ और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री surface ऑफ द लिक्विड तो हम लोगों को दो चीजें निकालना है एक है टोटल प्रेशर p एंड सेंटर ऑफ प्रेशर तो टोटल प्रेशर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक, एक छोटा सा छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं उसके ऊपर जितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसको निकालते हैं फिर हम लोग पूरा सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करते तो यहाँ पर हम लोग मान लेते कि एक छोटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है जिसका जिसका थिकनेस है डीएक्स एंड जिसका वीट है बी ठीक है और ये इतना इतना इसका थिकनेस इतना छोटा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है ये स्ट्रिप के ऊपर वो यूनिफॉर्म है ठीक है तो यूनिफॉर्म होगा तो आसान होगा कैलकुलेशन के लिए आ, तो ये स्ट्रिप का डेप्थ है एक्स फ्रॉम द फ्री सरफेस तो पी क्या हो जाएगा इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स और W क्या है यहाँ पर स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड जो कि है रोजी तो टोटल प्रेशर ऑन द स्ट्रीप इक्वल टू हो जाएगा पी इन एरिया मतलब बी इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स इंटू बी डी एक्स अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल प्रेशर ऑन द होल सरफेस कैपिटल पी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स इंटू बी डी एक्स अब यहाँ पर डब्लू कॉन्स्टेंट uh, है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाएगा टोटल प्रेशर पी इक्वल टू डब्लू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स इंटू एक्स तो हम लोग जानते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स इंटू एक्स होता है मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट द लिक्विड लेवल ओ ठीक एरिया तो ये कोई भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का स्टैंडर्ड बुक से मिल जाएगा अगर आप लोग भूल गए होंगे ये तो क्लास प्लस टू में ही पढ़ाया जाता है तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाएगा टोटल प्रेशर पी इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत काम का है नाउ वी हैव टू फाइंड द सेंटर प्रेशर एच बार तो हम लोग फॉर्मूला uh, क्या जानते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है पी इक्वल टू रोजी एच तो फॉर्मूला से पता चलता है कि हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ एच तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा तो वर्टिकल सरफेस के लिए प्रैक्टिकली क्या होता है कि डेप्थ के साथ साथ प्रेशर का वैल्यू जो है वो बढ़ता रहता है पर हम लोग टोटल प्रेशर किस लिए निकालते हैं कि कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन के लिए आसान होगा तो टोटल प्रेशर का वैल्यू था हम लोग पिछले साइड में निकल चुके हैं तो हम लोग का अभी सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब कौन से पॉइंट पे काम कर रहे हैं कौन से डेप्थ में काम कर रहे हैं ये वर्टिकल सरफेस के ऊपर वो निकालना है ये सी ठीक है सी और सी जिसका डेप्थ है एज बार ठीक है तो जनरली हम लोग इनिशियली क्या गेस कर सकते हैं कि सी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिलो में होगा क्योंकि डेप्थ के साथ साथ प्रेशर का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो, तो इमर सरफेस के लिए जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा बिलो में होगा तो सेम एज बिफोर हम लोग कंसीडर द कंसीडर हॉराइजेंटल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डी एक्स एंड विड बी तो स्ट्रिप के ऊपर टोटल प्रेशर होगा डब्ल्यू एक्स बी डी एक्स और मोमेंट ऑफ दिस प्रेशर अबाउट फ्री सरफेस ओ हो जाएगा टोटल प्रेशर इनटू द डेप्थ मतलब डब्ल्यू एक्स बी डी एक्स इंटू एक्स जो फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा डब्ल्यू एक्स स्क्र बी डी एक्स अब टोटल मोमेंट ऑफ ऑल सच प्रेशर फॉर होल एरिया एम इक्वल टू इंटीगेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बी डी एक्स विच इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स एक्स स्क्वायर तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बी डी एक्स होता है आई जीरो जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ द सर्फेस अबाउट द फ्री सरफेस ओ और हम लोग इसको सेकेंड मोमेंट अपेरिया भी बोल सकते फाइनली तो हम लोगों को क्या मिल गया एम इक्वल टू डब्लू इंटू आई जीरो तो ये तो प्रैक्टिकली हम लोगों को जो मोमेंट अब मिला तो ये इक्वली इक्वल होगा जो हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए हम लोग निकाले थे कि टोटल हाइपोथेटिकली जैसे बेसिकली तो टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर का वजह से जो मोमेंट क्रिएट होगा वो दोनों का सेम ही होगा तो हम लोग इक्वल करके हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल सकते हैं एच बार का वैल्यू तो द सम ऑफ मोमेंट ऑफ द प्रेशर इज इक्वल टू पी इन टू एच बार तो ये दोनों सेम होगा तो सेम करके हम लोग को फाइनली मिल जाएगा एच बार इक्वल टू आई जीरो बाई ए एक्स पर और हम लोग थियोरियम ऑफ पैराल एक्सिस से जानते हैं कि आई जीरो इक्वल टू आई जी प्लस ए एच तो यहाँ पर जो आई जी है वो है मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ द फिगर अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जी और एज क्या है डिस्टेंस बिटवीन द फ्री लिक्विड सरफेस एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फिगर यहाँ पर इन दिस केस एक्स पर है तो ये पुट कर देंगे एज बाढ़ आई जी प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई ए एक्स बार इक्वल टू आई जी बाई ए एक्स बार प्लस एक्स बार फाइनली सेंटर ऑफ प्रेशर क्या मिल जाएगा एच बार इक्वल टू आई जी प्लस बाई ए एक्स बार प्लस एक्स बार तो ये पैरेलल एक्सिस क्यों निकालते क्योंकि हम लोग जनरली कैलकुलेशन के लिए इजी होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होगा जो डेप्थ है उसका उसको हम लोग को ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन के लिए सिर्फ हम लोग को बॉडी का जो सरफेस का मतलब जो इमर्ज बॉडी है उसका पैरामीटर हम लोग जान अगर जानेंगे तो हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर मिल जाएगा और सिर्फ हम लोगों के एक बार पता होना चाहिए हम लोग का अलग से अ, अलग से क्या बोलते हैं आई जीरो निकालना निकालना निकालने के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई ज़ीरो डिपेंड है वो जो डेप्थ है उसके ऊपर और जो डिस्टेंस है लिक्विड सरफेस के उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो जरूर नहीं है इसीलिए कैलकुलेशन का के लिए हम लोग कॉन्वर्ट कर लेते अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते तो ए टैंक विथ फोर इक्वल वर्टिकल फेसेस ऑफ इज फिल्ड अप लिक्विड इफ द फोर्स ऑन एनी वर्टिकल सर्फेस एनी वर्टिकल साइड इज इक्वल टू the फोर्थ साइड the बॉटम देन द वैल्यू ऑफ एच बाई टी रेसियो निकालना है बेसिकली तो बेसिकली क्या बोला है कि एक टैंक है जिसका चारों जो वर्टिकल फेसेस है वो इक्वल है तो इससे हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि जो टॉप और बॉटम फेसेस है वो दोनों वो दोनों स्क्वायर होगा और दिया गया है कि जो वीट है वो है टी तो और डेप्थ है एंच तो हम लोगों को साइड और बॉटम फेस का स्पेसिफिकेशन और पैरामीटर ऐसा ऐसा होगा मतलब साइड फेस का जो हाइट है वो एंच होगा होगा टी और बॉटम और टॉप का जो होगा तो उसका चारों साइड टी होगा ठीक है तो अगर बोला गया है कि वर्टिकल एट एनी वर्टिकल सरफेस में जो, जो वर्टिकल फोर्स काम कर रहे हैं वो इक्वल होगा जो बॉटम सरफेस में जो फोर्स काम कर रहे हैं पी बॉटम इक्वल टू पी साइड पी साइड पी बॉटम का फॉर्मूला क्या होगा रो जी एच इंट एरिया मतलब टी इंटू टी और पी साइड क्या होगा रो जी इंटू एक्स पार एक्स पार मतलब क्या होता है कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ एरिया तो ये रेक्टेंगुलर जिसका हाइट है एच तो उसके लिए एक बार क्या होगा एच बाई टू तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिल जाएगा एच रो जी इन टू टी इंटू टी इक्वल टू रो जी टी एच इंटू एच बाई टू यहाँ से हम लोगों के एच बाई टी का रेशियो मिल जाएगा टू तो आंसर आ जाएगा ए सेकेंड क्वेश्चन द टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन ए थिन प्लेट साम इन ए लिक्विड रिमेन्स सेम नो मैटर हाउ इट्स सरफेस इज सिस्टम इसका रीजन क्या दिया हुआ है द total hydrostatic force on the immersed surface remains the same as long as the depth of centroid from the free surface remain unaltered तो हम लोग formula क्या जानते हैं P equal to W A x bar तो यहाँ पर बोला गया है कि x bar अगर same होगा same है all cases में और हम लोग सिर्फ जो orientation है basically जो plate का वो change कर रहे हैं तो फॉर्मूले से ही हम लोग पता चल रहा है कि हाइड्रोस्टेटिक फोर्स सेम ही होगा क्योंकि ए पार्ट तो सेम है और बाकी डब्ल्यू ए डब्लू और ए तो कॉन्स्टेंट ही है तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और ये रीज़न भी ठीक है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया ये बेसिकली इंजीनियरिंग में है कोई भी स्टैंडर्ड बुक से मिल जाएगा तो क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर बेसिकली एक दे दिया है देख लीजिए एक्सप्लेन तो यहां पर नहीं करूंगा और न्यूमेरिकल में काम आएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है ट्राइंगर डैम ऑफ हाइट एच एंड बेस बेसिट इस फील्ड टू इट स्टॉप वाटर एस सोन इन द फिगर द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी Will be, uh, मतलब बी और एच का रिलेशन निकालना है और यहाँ पर डैम इन uh, मैसनडरी जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है टू पॉइंट फाइव से मैसोनरी मतलब एक सिविल इंजीनियरिंग टैम है जो मतलब एक स्ट्रक्चर है जो छोटा छोटे यूनिट से बनना होता है उसको ही हम लोग uh, मैसोनडी बोलते हैं तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डैम है स्ट्रक्चर है इसके ऊपर दो बेसिकली फोर्स काम कर रहे हैं तो ये दो फोर्स की वजह से जो मोमेंट कियर मोमेंट क्रिएट हो रहा है मोमेंट तो वो टॉपल पॉइंट के अबाउट हम लेंगे तो उसको हम इक्वल कर देंगे तो अगर इक्वल जिस कंडीशन में होगा उसी को हम लोग कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी बोलेंगे टॉपल पॉइंट है ये वाला पॉइंट राइट में और तो ए काम कर रहा है ए मतलब हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन द वर्टिकल सरफेस और वेट कम कर रहे हैं ठीक है थीके? तो आ, उससे पहले हम लोगों को निकालना है एप कौन सा आ, कौन सा हाइट में काम कर रहे हैं और कौन सा एप और टॉपल पॉइंट का डिस्टेंस क्या है वो निकालना होगा तो उसके लिए पहले हम लोगों को एच बार निकालना होगा मतलब फ्री सरफेस से डिस्टेंस उसके बाद एच माइनस एच बार कर देंगे तो मिल जाएगा तो सेंटर ऑफ प्रेशर Uh, पहले एज्यूम कर लेते हैं कि जो वर्टिकल फेस है वो रेक्टेंगुलर है क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है ये प्रैक्टिकली है रेक्टेंगुलर ठीक है uh, प्रैक्टिकली है और जो इसका बी है मतलब थिकनेस है वो क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं होगा तो यूनिट मान लेते तो फार्मूला उससे हम लोग क्या मिलता है एच बार इक्वल टू आई जी बाई ए एक्स बार प्लस एक्स पार तो आई जी uh, फार्मूला से क्या मिल जाएगा वन बाई ट्वेल्व बी एच क्यू यहाँ पर बी यूनिट मान लिया गया है और एच क्यू बाई ट बाई होता है ए मतलब क्या हाइट तो एच दिया हुआ और b, uh, equal to है और बी इक्वल टू वन है और ऐसा फॉर्मूला करके हम लोग के एच बार मिल जाएगा टू एच बाई थ्री तो फ्री सर्विस से डेप्थ है एच uh, एफ एच का फ्री सरफेस तो से डिस्टेंस है एफ एच का टू एच बाई थ्री तो टॉपल पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा एच माइनस टू एच बाई थ्री मतलब एच बाई थ्री तो यहाँ पर मोमेंटम एफ एच के वजह से क्या होगा एफ एच इंटू स्मॉल एच बाई थ्री विच इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू टू बी बाई थ्री डब्ल्यू वेट है जो 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 सेंटर के बराबर काम करता है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो टॉपल पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा टू बी बाई थ्री नाव फार्मूला हम लोग एफ uh, एच का एफ uh, एच का पुट करेंगे uh, क्योंकि वाटर दिया हुआ है तो रो डब्ल्यू है रो डब्ल्यू जी इंटू एच बाई टू एच बाई टू मतलब एक्स बार एक्स बार एक्स बार इक्वल टू एच बाई टू क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर सरफेस है वर्टिकल सरफेस और इसका हाइट जो है वो एच एच है तो एच बाई टू में एच बाई टू होगा एक्स बार इक्वल टू वन इंटू एच वन इंटू एच मतलब थिकनेस वन है एच होगा हाइट मतलब एरिया बेसिकली वन इंटू एच इंटू एच बाई थ्री विच इज इक्वल टू रो w इंटू टू पॉइंट फाइव सिक्स ये टू पॉइंट फाइव सिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसलिए तो इंटू जी इंटू जो एरिया होगा एरिया नहीं वॉल्यूम होगा बी एच बाई टू इन थिकनेस वन इंटू टू बी बाई थ्री तो हम लोगों को ऐसा करके मिल जाएगा बी इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर फोर टू एच तो इसका नियरेस्ट वैल्यू ऑप्शन डी में दिया हुआ है नियरेस्ट वैल्यू एक्चुअली वैल्यू ही दिया हुआ है सॉरी तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ये असाइनमेंट है तो बेसिकली आसानी है जो थ्योरी थियोरी बोला गया है उसी से ही आया है तो ये सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा और हम लोग सही आंसर उसके बाद चेक करके आप लोगों को बोल देंगे या थैंक यू सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो if you have any doubts related to this topic feel free to ask in the comment box and you can write the answer of the assignments in the comment box below if this video was helpful for you then you can like share and subscribe to our channel if you are preparing for ktsc or any other competitive exam uh, for mechanical engineering you can join our whatsapp group also so bus chalo abhi muskurao aur aage ho, and kabhi haste gaate खेलते कूदते अगर ये टॉपिक भूल गए तो फिर से देख लेना ये वीडियो थैंक यू